देश भर में आधे से अधिक सीटों पर चुनाव संपन्न। इस दौरान देश भर में तीन ही नेताओं की अभी तक सबसे अधिक जलवे देखने को मिले। जो ना थका और ना ही झुका वो है पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान। तीनों ही नेता जहां भी गए, जिस भी इलाके में प्रचार किया, वहां इनका जलवा देखने को मिला। इनके लिए गजब की दीवानगी देखने को मिली। मोदी पीएम है, योगी सीएम है, लेकिन चिराग के पास कोई बड़ा पद भी नहीं। बावजूद चुनाव में उन्होंने जो छाप छोड़ी है वो हमेशा याद रखा जाएगा, खासकर बिहार में, जहाँ चिराग ने अभी तक 40 से अधिक सभाएं की, रोड शो किया, हर सभा और रोड शो में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। जनता उनके लिए दीवानी दिखी, जनता उन्हें देखने और सुनने के लिए आतुर दिखी। इस दौरान जातियों की दीवार टूटती दिखी, हर जाति हर वर्ग के लोग चिराग का हौसला बढ़ाते दिखे। चिराग खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हाजीपुर को जिस तरह चिराग ने अपना परिवार बताया, उसी तरह का सम्मान हाजीपुर की जनता ने भी चिराग को दिया। हाजीपुर में पिछले 12 दिनों के अंदर चिराग ने हर गांव को छान मारा, घर घर तक भी पहुंचे। इस दौरान जनता ने उनका ऐसा स्वागत किया मानो कोई फिल्मी सितारा पहुँच गया हो। पीएम मोदी भी चिराग की इस लोकप्रियता को स्वीकार करते दिखे। भरे मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग का जी भर के तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने शायद ही आज तक किसी नेता की इतनी तारीफ की जितनी की चिराग की है। प्रधानमंत्री ने तो चिराग को बेटा ही बता दिया। अगर चिराग इस लोकप्रियता की क्या वजह है ये जनता ही जाने। हालांकि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करें तो पता चलता है कि किसी जाति के नेता नहीं है, किसी वर्ग के नेता नहीं है, बल्कि वो बिहार के नेता बनकर उभरे हैं, जिनसे जनता को उम्मीद है। जनता उनको भविष्य का सीएम देख रही है, जो बगैर किसी भेदभाव का काम करेगा, जो बिहार को बढ़ाने के विजन पर बढ़ेगा। चिराग भी खुद को युवा बिहारी बताते हैं, जिनके दिल में बिहार के लिए कुछ करने की चाहत झलकती है। चिराग ने पिछले 3 सालों में बिहार की विकास बाधक बन रही तमाम बातों को उजागर किया है, साथ ही बिहार कैसे विकास की रफ्तार को पकड़ सकता है इसकी भी प्लानिंग बताई है। इससे कहीं न कहीं युवा वर्ग उन्हें अपना नेता मानने लगा है। बिहार से बाहर रह रहे बिहारी समाज भी जब चिराग की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखता है तो उसमें भी बिहारी होने का गौरव झलकने लगता है और वो चिराग पासवान से जुड़ जाता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, इसलिए वो लोकप्रिय हो गए। हालांकि उनकी जानकारी के लिए बता दें कि रामविलास पासवान की पहचान देश भर में दलितों के बड़े नेता के तौर पर रही, लेकिन चिराग अपने को उस पहचान से बाहर निकालने में सफल रहे हैं। आज चिराग सिर्फ दलितों के ही बड़े नेता नहीं माने जाते हैं, बल्कि वो युवा और महिलाओं की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। वो आज बिहार के नेता माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जहां आज हर नेता खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जाति और धर्म की बातें करता है, वहीं चिराग सर्व जाति और धर्म के संभाव की बातें करते हैं। यही वजह है कि चिराग दिनों दिन लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। हालांकि चिराग की असली परीक्षा 20 लोकसभा चुनाव में होने वाली है। अगर चिराग जीते तो बिहार और देश की राजनीति में उनके लिए एक बड़ी भूमिका इंतजार कर रही है। वहीं अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं रहता है तो फिर अगले 5 साल तक अन्य नेताओं की तरह उन्हें भी कहीं ना कहीं संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।